क्वेश्चन नंबर फोर्थ एक्सरसाइज 2.4 क्लास 8 वन ऑफ द टू डिजिट वर्ड प्रॉब्लम चल रही है हमारे बच्चों. वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज थ्री टाइम द अदर डिजिट. ये बोल रहा है कोई टू डिजिट नंबर है उनकी जो डिजिट्स हैं एक वो दूसरी डिजिट की कितनी है थ्री टाइम. पहले टू डिजिट नंबर मानना पड़ेगा ठीक है. तो हमने लेट कर लिया, हमने मान लिया बच्चों टू डिजिट नंबर कितना है हमारा 10x+5. मैंने बोला था आपको देखो पिछले लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था हमें कोई भी नंबर टू डिजिट थ्री डिजिट नंबर मानना पड़े फोर डिजिट नंबर मानना पड़े तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है विथ प्लेस वैल्यू. ये यूनिट प्लेस तो 1 × y प्लस ये टेंस प्लेस पे रखा है तो 10 × x. तो बोल रहे हैं जो इसकी डिजिट है x और y उनमें से जो एक डिजिट है कोई सी भी डिजिट हो सकती है. अगर आप y को x के थ्री टाइम्स मान रहे हो तो आपके आंसर रिवर्स आएगा. बस रिवर्स मतलब मेरे कहने का मतलब ऐसा है जैसे मान लो अगर किसी का आंसर भाई एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों ये आंसर नहीं है. अगर आपके मान लो किसी का 27 आ रहा है तो किसी का 72 आ रहा है ना. ये तब भी होता है जब आप एक्स और वाई की पोजीशन चेंज करते हो. मान लो आप एक्स को यहाँ रख रहे हो वाई को यहाँ रख रहे हो तो आपका आंसर ये आ जाएगा. अगर आप एक्स को यहाँ रख रहे हो वाई को यहाँ रख रहे हो तो ये भी आ सकता है आंसर. किसी अगर मान लो किसी बच्चे ने आपने जैसे आपने एक्स टेंस प्लेस पे रखा है किसी बच्चे ने वाई को रखा है तो बेटा आंसर ऐसे रिवर्स हो जाएगा. तो ऐसे कोई बात नहीं कि भाई सर मेरा यहाँ आंसर आ रहा है इसके ही आ रहा है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे क्वेश्चनों में ऐसे ही आंसर आएंगे. तो यहाँ पे अगर आप एक्स को थ्री वाई मान रहे हो थ्री टाइम्स ऑफ वाई मान रहे हो या वाई को थ्री टाइम्स ऑफ एक्स मान रहे हो तो आंसर में फ़र्क आएगा और कुछ नहीं होगा ठीक है. बस डिजिट चेंज होगी. जैसे 27 आ रहा है तो 70. तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का 27 आ रहा है किसी का 36 मेरा सही आंसर नहीं. इसका डिजिट अपनी पोजीशन चेंज करते हुए ज़रूर आ सकती है. 27 का 72 आ गया किसी का तो ये दोनों आंसर सही है ठीक है. तो अब आगे देखिए तो जो बोल रहा है कि जो टू डिजिट नंबर की एक डिजिट है वो दूसरी की कितनी है थ्री टाइम्स है. तो मैंने मान लिया कि जो एक्स है वो वाई की कितनी है थ्री टाइम्स है ओके. इफ़ यू इंटरचेंज अ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर अब हम क्या कर रहे हैं इनकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो नया नंबर फाइंड हो रहा है 10y+x. फिर उसके बाद ये कह रहा है एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर. फिर जो ये आपका जो नया नंबर बन रहा है ना बच्चों 10y+x इसको पुराने नंबर में ऐड कर दीजिए इस वाले में 10x+y में. जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 88 आएगा. अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए 10y+x + 10x+y. आप फिर ऑर्डर चेंज कर दीजिए. मैंने डायरेक्ट ऑर्डर चेंज कर दिया वाई को वाई के साथ एक्स को एक्स के साथ. दोनों प्लस साइन के ऐड हो जाएंगे दोनों प्लस साइन के ऐड हो जाएंगे. फिर 11 कॉमन आ रहा है 11 कॉमन वैल्यू को बाहर लिखते हैं ब्रैकेट के. फिर कॉमन लेने का मतलब होता है डिवीज़न यानी ये दोनों 11 से डिवाइड हो रही है. इनको फिर ब्रैकेट में डिवाइड करके लिखा जाता है. 11 से 11 डिवाइड किया तो कितना बचा ओनली वाई. 11 से 11 को डिवाइड किया तो ओनली क्या बची एक्स ओके. तो 11 × y + x = 88 11 × कर रहे हैं यहाँ डिवाइड कराओगे तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 8 ठीक है. फर्स्ट इक्वेशन इधर से 3x = 3y और सेकंड इक्वेशन x + y = 8. अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों सब्स्टिट्यूशन मैटर लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इस तरह की इक्वेशन है. इसे ये मत करना ट्रांसपोज करके आप जीरो के को रख दो. अगर रखते हो तो जो हमने थर्ड क्वेश्चन में आपको मेथड सिखाया था एलिमिनेशन फिर उससे ही करना उससे ईजी रहेगा फिर आपके लिए. अभी यहाँ डायरेक्ट ही क्या है देखो एक्स की वैल्यू दी हुई है तो मैं सब्स्टिट्यूट करा दूंगा. सब्स्टिट्यूट मतलब सेकेंड इक्वेशन में जहाँ एक्स है ना उसकी जगह मैं रख दूंगा 3y. इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन एक वेरिएबल की जगह दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में वो वैल्यू रख देना. तो देखो एक्स अभी यहाँ पे वाई की फॉर्म में एक्स इक्वल्स टू तो यहाँ पे जो अगर मैं यहाँ एक्स को रिप्लेस करता हूँ तो वो भी किस फॉर्म में आ जाएगा वाई. तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है. यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने एक्स की वैल्यू रख दी सेकेंड में तो ये 3y+y. देखिए अब दोनों सेम वेरिएबल की टर्म है यहाँ पे और सेम साइन के हैं तो ऐड हो जाएगा 1+3 4y = 8. y की वैल्यू निकालनी है तो ये जो 4 × में हो रहा है इसको यहाँ डिवाइड करा दीजिए y की वैल्यू आ गई 2. अब आपकी x की वैल्यू निकालनी है तो वापस फर्स्ट इक्वेशन आपकी थी बच्चों x = 3y तो यहाँ y की वैल्यू रख दीजिए. y की वैल्यू आई है 2 2 × 3 कितना हो गया 6. x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आई 2. अब आपको निकालना क्या था व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर आपको बताना है. वो संख्या जो आपने 10x+y मानी थी ना वो है क्या. x की वैल्यू निकाली 6 10 6 = 60
प्लस वाई की वैल्यू 2 निकाली, 60 प्लस 2 62। तो मान लो एक किसी बच्चे का आंसर 62 आ रहा है इस तरह से मानने पे, और कोई बच्चा मान रहा था 10y प्लस एक्स ओरिजिनल डिजिट को, ठीक है, तो उसका आंसर आ जाएगा 26। बस इतना सा फ़र्क होगा और कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। शोभो मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम शोभो प्रेजेंट एज। तो शोभो की अभी जो वर्तमान आयु है, मान लो आप शोभो 5 साल का है, तो उसकी मम्मी उसके 6 टाइम है, 5 6 30 यानी 30 ईयर्स की। तो अभी हम अपनी तरफ से नहीं कह सकते कि शोभो 5 साल का है, हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो जो चीज़ पता नहीं होती, अननोन होती है, उसे कहते हैं वेरिएबल चर राशि। तो हमने शोभो को मान लिया, शोभो कितने साल का है, एक्स साल का। शोभो एज कितने मान ली, एक्स ईयर्स। तो शोभो की मदर उसके 6 टाइम है एक्स के, जो उसकी मदर की एज है वो क्या है, शोभो की एज की, शोभो यानी एक्स के कितने, 6 टाइम, 6 × x। नाउ शोभो एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी जो प्रेजेंट एज है ना शोभो की, इससे 5 साल बाद की बात कर रहा है। 5 साल बाद देखो, मान लो अभी शोभो 5 साल का है, तो अगले 5 साल में कितना हो जाएगा, 5 + 5 = 10। तो अभी एक्स ईयर का है, तो लास्ट अगले 5 साल में कितना हो जाएगा, x + 5 x + 5। ओके, तो बोल रहा है 5 ईयर बाद जो शोभो की एज यानी एक्स प्लस फाइव है, वो क्या है, विल बी 1/3 ऑफ मदर प्रेजेंट एज। मदर की जो प्रेजेंट एज है ना, उसकी 1/3 है, ठीक है, 5 साल बाद। मान लो मदर भी 30 साल की है, तो 30 × 30 = 1/3 कितना हो गया, 10। तो शोभो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 10 साल का। तो मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 है, ठीक है। अब यहाँ 3 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं बच्चों, तो यहाँ से इन दोनों से इंटू करेगा, 3 × x + 5 = 6x। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 3 × x, पॉजिटिव × पॉजिटिव, 3 × 5 = 15 = 6x। अब मैंने 3x को इस राइट साइड में भेजा, यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ओके, तो 3x बचेगा आपके, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट साइन है, तो सब्ट्रैक्शन, 6 में से 3 गए, 3 पॉजिटिव वैल्यू, 6 और 3 में से बड़ी वैल्यू है 6, और 6 पॉजिटिव साइन का, तो आंसर भी पॉजिटिव। अब x की वैल्यू आपको मतलब निकालनी है, फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। तो आप देख रहे हैं x के साथ में 3 × में आ रहा है बच्चों, तो आप जब इंटू वाली टर्म को राइट यानी इस लेफ्ट साइड में भेजेंगे 15, तो ये क्या करेगा, इसको जाके डिवाइड करेगा। 15 को 3 ने डिवाइड किया, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, ये भी 3 से जा रहा है, ये भी 3 से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और हमें किसकी एज निकालनी, मदर और शोभो दोनों की। ये जो x किसकी एज मानी थी, शोभो की, तो शोभो की एज आ गई 5 ईयर्स। ओके, मदर की कितनी हो जाएगी, 6 × 5 = 30 ईयर्स, ठीक है। तो शोभो की एज आ गई 5 ईयर और मदर की एज आ गई 6 × 5 = 30 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है आयताकार, लेंथ एंड ब्रेथ उसकी, उनका अनुपात दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। तो जब भी आपको अनुपात में कोई चीज़ दी हुई हो और आपको वो चीज़ निकालनी हो, जैसे लेंथ ब्रेथ निकालनी है, तो इन्हें कॉमन रेशियो से इंटू कर दीजिए। कॉमन रेशियो आपके वेरिएबल की फॉर्म में होगा, ठीक है। कॉमन रेशियो जब आपने लेंथ ब्रेथ को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा था ना, यानी रेशियो की फॉर्म में, तो आपने वो कॉमन रेशियो हटाया था। अब आप कह नहीं सकते वो क्या कॉमन फैक्टर था डिवाइड करने पे जो हटा। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ आपको, इसी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, जैसे ये मान लीजिए लेंथ है, ये ब्रेथ है, रेशियो का मतलब ही डिवीज़न ही होता है। तो देखिए यहाँ पे आप कॉमन रेशियो हटा रहे थे, कॉमन फैक्टर हटा रहे थे 3, तो आपके पास बचा क्या, 5/1 बचा बच्चों। ओके, तो ये रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे 5:1। तो अब इनको वापस से आपको 15 और 3 बनाना है, तो आपने क्या हटाया था, 3 हटाया, तो 3 × 2 कर दिया, इसको भी 3 × 2 कर दिया, 5 × 3 = 15, 3 × 3, तो ये वापस से क्या बन गया, लेंथ और ब्रेथ बन गया। तो अब यहाँ पे हम कह नहीं सकते कि हमने इस रेशियो में से क्या कॉमन फैक्टर हटाया था, क्या कॉमन वेरिएबल हटाया था, तो हमें उसे वेरिएबल की टर्म में मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि कॉमन रेशियो क्या है, एक्स है, उभयनिष्ठ अनुपात क्या है, एक्स। जैसे हमने इन दोनों को x इंटू किया, तो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी, 11x और 4x मीटर। मीटर क्या मान रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे मीटर की रेट दी हुई है, एट द रेट ऑफ ₹100 per meter इट विल कॉस्ट ₹75,000 टू फेंस द। पर मीटर के 100 रुपये लेता है एक, आपने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, किसी को भी बुलाया, बोला भाई इस फील्ड के आसपास क्या कर दो, एक फेंसिंग कर दो, या तो आप तार की बनवा लें, किसी की भी बनवा लें, फेंसिंग मतलब आपने बाउंड्री बनवा ली, बोला बाउंड्री कर दो, ठीक है, क्योंकि प्लॉट पे कोई भी आ सकता है, कोई एनिमल आ सकता है, अंदर एंट्री कर ले मान लो, या फिर कोई इलीगल वे से एनक्रोचमेंट कर ले,
तो क्या करते हैं, प्लॉट पे फेंसिंग करके रखते हैं। तो फेंसिंग करने के लिए बुलाया, तो उसने बोला जो आपका पूरा प्लॉट है मान लो इतना बड़ा, इसका इतना सा पार्ट है 1 मीटर का, इस पे अगर मैं फेंसिंग करता हूँ इसके आसपास, ठीक है, फेंसिंग मतलब बाउंड्री पे होती है, तो इसके आसपास अगर मैं फेंसिंग करता हूँ 1 मीटर के अंदर, मान लो ये 1 मीटर का इतना पार्ट है, बोला तो मैं 100 रुपीज़ लूँगा। उन्होंने बोला अच्छा भाई पूरे प्लॉट की बाउंड्री पे करने का कितना लेगा, बोला बाउंड्री मेज़र कर लेते हैं। बाउंड्री मेज़र किया, फाइनल उसने खर्चा बता दिया 75,000। तो बोल रहा है फाइंड दी डायमेंशन ऑफ प्लॉट, तो लेंथ और ब्रेथ पता होगी तभी तो डायमेंशन पता लगा पाएंगे, अभी तो अननोन है दोनों, अभी तो ये 11x और 4x है। तो फेंसिंग बाउंड्री पे होती है, और बाउंड्री का मतलब होता है बेटा पेरीमीटर, परिमाप, ठीक है। तो आपको पहले पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, आयत के आपको परिमाप का सूत्र होता है 2 × L + B, लेंथ की वैल्यू ब्रेथ की वैल्यू पुट करा, 11 + 4x 15x × 2 30x आपके पेरीमीटर आया, ठीक है। ये तो पूरा है, ये तो पूरी बाउंड्री की बात करी, 30x है, ये तो बोला इतना सा टुकड़ा। जब आप इस पूरी बाउंड्री को पर मीटर की रेट से इंटू करोगे तो आपके पास पूरी बाउंड्री का खर्चा आ जाएगा, वो भी आपको गिवन है। जैसे आप इस 30x को बच्चों 100 यानी पर मीटर की रेट से इंटू करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये ओवरऑल वाली कॉस्टिंग आ जाएगी। तो 100 × 30x इक्वल्स टू 75,000, इनको इंटू किया तो 3000x इक्वल्स टू 75,000, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 3000 जो इंटू कर रहा है उसे यहाँ भेजेंगे तो ये डिवाइड करेगा 30 से 30 कैंसिल, मतलब 1000 की टेबल से 1000 × 3 = 1000 से 75, फिर आप 3 से कट करेंगे, ठीक है। मैं डिवीज़न करना भी आपको बता देता हूँ बच्चों, देखो कैसे डिवाइड करेंगे 75,000, दो स्टेप में भी कर सकते हो या डायरेक्ट आपको 3000 की टेबल आती है तो आप डायरेक्ट 3000 से भी कर सकते हो। मैं दो स्टेप में करके बता देता हूँ, पहले मैंने 1000 से डिवाइड किया, 1000 × 3, ठीक है, और 1000 से 75, अब ये 75/3 आया। अब मैं 3 की टेबल बोल रहा हूँ, 3 × 1 = 3, और इसको 3 × 2 = 6, देखिए 6 है ना, 75 को अब यहाँ पे वापस से देखिए किस तरह से, 3 को तो आपको डिवाइड करना आ गया 3 से, अब 75 को 3 से कैसे कर रहे हैं, देखिए 3 × 2 = 6, 1 रिमाइंडर बचा, ड्रॉप किया नेक्स्ट डिजिट को 15 को, 3 × 5 = 15, तो कितने टाइम चले गया बच्चों, 25 टाइम चले गया। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25, ये तो x की वैल्यू हुई, आपको तो डायमेंशन निकालने, लेंथ ब्रेथ निकालनी है, लेंथ थी 11x, x की जगह आप क्या अगर रखो 25, तो 25 × 11 = 275 मीटर, ब्रेथ की वैल्यू 25 × 4 = 100 मीटर। तो आपको जो डायमेंशन निकालने थे अपने प्लॉट के, वो क्या निकाल लिए, डायमेंशन निकाल लिए। थैंक यू।